जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल आप लोगों का साइंस टीचर, और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12 का पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं दोस्तों घर्षण वाले चैप्टर का। और घर्षण के बारे में अब तक हमने ये पढ़ा है कि घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है और सर्पीय घर्षण होता है, घर्षण से क्या हानियाँ हैं, घर्षण से क्या लाभ है, और किस तरीके से घर्षण को बढ़ाया जा सकता है या फिर किस तरीके से घर्षण को कम किया जा सकता है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि घर्षण को किस तरीके से यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों घर्षण को बढ़ाने के लिए मैं कुछ सामान्य से एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे कि आपने जेसीबी यानी बुलडोजर के टायर देखे होंगे, और एजेंसी वाले क्या करते हैं कि उसके टायर पे विशेष प्रकार के खांचे बना के रखते हैं ताकि घर्षण बढ़े और वो आसानी से पलटे नहीं। तो ये स्थिति जो वो बनाते हैं, वो बनाते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये जो एग्जांपल है, इसके अलावा जैसे ट्रैक्टर के टायर है वो ले लीजिए, या फिर जो सूज बनते हैं वो भी, उसके नीचे भी हल्के से खांचे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बढ़े। जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, उस पर जो पट्टी है जहाँ पे आदमी दौड़ करके ट्रेन पकड़ता है, वो पट्टी भी अक्सर खुरदरी टाइल वहाँ पे लगाई जाती है, और वो इसलिए लगाई जाती है ताकि घर्षण बढ़े पैरों के बीच, और उस सतह के बीच का घर्षण जो है बढ़े और आदमी वहाँ पे गिरे नहीं। तो ये स्थितियाँ बनती है घर्षण को बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ घर्षण को कम करना होता है, जैसे कि बाप इंजन है, डीजल इंजन है, वहाँ पे घर्षण को कम करना ज़रूरी है, नहीं तो पुर्जे, इंजन के जो पुर्जे हैं वो ज़्यादा घिसेंगे और ऐसी स्थिति में जो पुर्जे हैं वो जल्दी पुराने हो जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ पे घर्षण को कम करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप लोग जो कैरम बोर्ड का गेम खेलते हो, उसमें भी कैरम में एक विशेष प्रकार का पाउडर डाला जाता है, एक चिकना पाउडर वहाँ पर डाला जाता है ताकि घर्षण वहाँ का कम हो। तो कुछ स्थितियाँ हैं जहाँ हमें घर्षण को कम करना ज़रूरी होता है। जैसे घर्षण को कम करने से मेरे को एक बात और याद आती है कि घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़े से जो बैग होते हैं जिनमें वजन ज़्यादा होता है, उसमें अक्सर छोटे छोटे क्या लगाए जाते हैं, पहिए लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पे घर्षण क्या हो, कम हो। जब भी पहिए लगाए जाएंगे तो घर्षण एक लॉटनिक प्रकार का घर्षण होगा, और उस समय वो घर्षण कम होता है। जैसे मैंने आपको एक घर्षण बताया है स्थैतिक घर्षण, जो सबसे ज़्यादा होता है, स्थैतिक घर्षण जो सबसे ज़्यादा होता है, और सर्पीय घर्षण इससे कम होता है, और सबसे लास्ट में जो घर्षण है वो है आपका लॉटनी घर्षण या लॉटनिक घर्षण जिसे आप कहोगे। तो ये सबसे कम वाली स्थिति है। और घर्षण को कम करने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल है कि घर्षण को कम करने के लिए क्या करेंगे कि पहिए लगा देंगे बैग के नीचे, तो वो वहाँ पे क्या होगा, घर्षण कम होगा। जैसे आपने बेयरिंग का नाम सुना होगा, पहिए से तो घर्षण को कम किया जा सकता है, हमने ये देखा है, लेकिन बेयरिंग का आपने नाम सुना होगा, बेयरिंग भी क्या करता है, घर्षण को कम करता है। जैसे कि साइकिल में अक्सर इसका प्रयोग होता है, इंजन में इसका प्रयोग होता है, तो बेयरिंग लगाने से भी, यानी कि बेयरिंग जो होता है वो घर्षण को वहाँ पे कम कर देता है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जिससे घर्षण कम हो जाता है, घर्षण को बढ़ाना भी ज़रूरी है। भले ही घर्षण दोस्तों हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन अनिवार्य भी है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये था घर्षण जिसके बारे में हमने पढ़ा है। और अब इस घर्षण के बाद हम इसका एक और प्रकार है, जैसे कि और कौन सा है, तरल घर्षण का नाम आपने सुना होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ तरल घर्षण क्या है। दोस्तों तरल का मतलब हो गया कि वायु भी है और क्या है, द्रव यानी कि पानी भी है। तो तरल घर्षण कौन सा घर्षण होगा, वो वाला घर्षण जो द्रव या फिर या कह लीजिए गैसें, वायु या पानी वस्तुओं पे जो घर्षण लगाती है वो घर्षण कहलाता है तरल घर्षण। और ये बात सुनने में बहुत अच्छी है कि पानी भी वस्तुओं को जो है घर्षित करता है, उनको घिस सकता है, यानी कि घर्षण बल लगाता है, और वायु भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है, और ये दोनों ही मिला करके हम कह देंगे तरल। और इस घर्षण का जो नाम होगा वो होगा तरल घर्षण, या हम तरल घर्षण के अलावा इसे कर्षण भी कह सकते हैं। तरल पदार्थ जो घर्षण बल लगाते हैं दोस्तों, उस घर्षण बल को हम कर्षण के नाम से भी जानते हैं। तो वायु भी घर्षण लगाती है, पानी भी घर्षण जो है बल लगाता है। इसका अच्छा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हवाई जहाज जो होता है,
हवाई जहाज। इस हवाई जहाज के आगे जो कांच होता है वो हवा के साथ घर्षण होने से कुछ समय बाद जो है घिस करके पुराना हो जाता है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो हवाई जहाज के कांच पुराने हो जाते हैं, ये बात प्रदर्शित करती है कि वायु भी क्या करती है, वस्तुओं के साथ घर्षण दोहराती है। और इसीलिए इसी घर्षण को कम करने के लिए, ये घर्षण यदि कम होगा तो हवाई जहाज में ईंधन कम जलेगा, और इस घर्षण को कम करने के लिए हवाई जहाज की जो आकृति है वो आकृति कुछ विशेष यानी कि कुछ इस तरीके से वो बनाई जाती है। हवाई जहाज की आकृति आगे से ऐसी रखी जाती है ताकि हवाएं इस प्रकार से टकरा के गुजर जाएं और घर्षण क्या हो वहाँ पे कम हो। यदि घर्षण कम होगा तो ईंधन कम जलेगा, जाहिर सी बात है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद पानी के साथ जो घर्षण बल लगता है, जैसे कि यहाँ ये बात हम प्रदर्शित कर सकते हैं, पानी के साथ घर्षण को कम करने के लिए भाई पहले तो पानी घर्षण बल लगाता है। ये अनुभव हमें कब होता है, जब हम पानी में तैर रहे होते हैं। पानी में तैरते समय आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, और वो बल इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि पानी आपकी बॉडी के साथ घर्षित हो रहा है, वो उसको घर्षण बल लगा रहा है। तो पानी भी घर्षण बल लगाता है, और शायद इसीलिए क्या किया जाता है, पानी के जो जहाज हैं उनकी भी आकृति कुछ विशेष प्रकार की बनाई जाती है। विशेष प्रकार की मतलब आगे से उसको ऐसा रखा जाता है ताकि घर्षण बल कम लगे और ईंधन उसमें कम जले, या उसको अगर चाकू से चला रहा है नाविक तो उसको कम बल लगाना पड़े, इसलिए उसकी आकृति कुछ इस तरीके से रखी जाती है ताकि पानी उसकी पानी की सतह को वो चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, या फिर हवाई जहाज की जहाँ तक बात है तो हवा को चीरता हुआ ये आगे बढ़ता चला जाता, इस तरीके से ये इसको कम किया जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों तरल घर्षण, या जिसे हम कह सकते हैं कर्षण। तो तरल भी जो है बल लगाता है, घर्षण बल लगाता है वस्तुओं पर, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था आपका घर्षण, जिसमें हमने फाइनली स्थितिक घर्षण पढ़ा है, लौटनिक घर्षण पढ़ा है, और सर्पी घर्षण पढ़ा है, और उसके साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ी है जो बिल्कुल नई है, तरल घर्षण या फिर कर्षण। अब हम करेंगे इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो। तो दोस्तों अब हम इस लेसन का अभ्यास करते हैं, अभ्यास प्रश्न इसके। तो अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो अगर ढंग से देखा है तो बिल्कुल आसानी होगी, इसमें ये बात तय है। तो जैसे कि पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी है। जैसे कि पहला जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी वस्तुओं के पृष्ठों के बीच किसका विरोध करता है। पृष्ठों के बीच दोस्तों जो गति होती है उस गति का विरोध करता है। तो ये पहले ऑप्शन में हम क्या भरेंगे यहाँ पे, ये आपका ये हो गया गति, और दूसरा जो आपके सामने यहाँ पे है वो है घर्षण पृष्ठों के कौन से गुण पे वो निर्भर करता है। घर्षण जो है पृष्ठों के कौन से गुण पर निर्भर करता है, तो वो उसके आकार पर निर्भर करता है। यदि आकार उसका विशेष प्रकार का हुआ, यानी आकार अगर चिकना हुआ तो घर्षण कम लगेगा, और आकार अगर खुरदरा उसका हुआ तो घर्षण वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो ये इसके अंदर हमने भर दिया आकार। ग यानी कि जो तीसरा है वो आप देखिए, घर्षण से उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, तो मैंने आपको बोला कि गति में बाधाएँ उत्पन्न होती है, तो हम सीधा सा यहाँ पर लिखेंगे बाधा उत्पन्न होती है। चौथा ग, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है। कैरम बोर्ड जो है उस पर यदि आपने कोई चिकना पाउडर छिड़क दिया है तो क्या होगा कि घर्षण वहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसलिए इस रिक्त स्थान में, चौथे रिक्त स्थान में मैंने कम भर दिया है। ड यानी कि पांचवा जो आपके पास यहाँ पे है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से ज़्यादा होता है या कम होता है। तो सर्पी घर्षण की यहाँ पे बात हो रही है, स्थैतिक घर्षण से उसकी तुलना की जा रही है, तो बात बिल्कुल तय है कि स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण हमेशा ही क्या होगा, कम होगा। तो ये मैंने इधर भी क्या लिख दिया, कम। तो ये थे रिक्त स्थान जो हमें भरने थे। और अब आपके सामने एक सवाल और भी है, वो क्या है, निम्न में से बलों का घटता क्रम है। आपको ये बताना है कि कौन सा घर्षण बल सर्वाधिक है और कौन सा घर्षण बल कम है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है जिसमें से एक आपको यहाँ पे चुनना है जो सही है। तो जैसे कि बलों का घटता क्रम आपसे पूछा है, घटता क्रम यानी सबसे अधिक वाला सबसे जो है पहले होना चाहिए। तो ऑप्शन अ यहाँ पे आप देखो, लौटनी
तो अधिक नहीं है दोस्तों, ये सबसे कम है। जैसे कि ऑप्शन ब में बोला जा रहा है लोटनी, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है, स स्थैतिक घर्षण, जो कि सबसे क्या है अधिक है हमें पता है, और सर्पी घर्षण इससे कम है और लोटनी घर्षण इससे भी क्या है कम है। यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन स जो है वो प्रश्न के अनुसार एकदम क्या है सही है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर हम इसका क्या लिखेंगे, स। ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न जिसमें स्थैतिक सर्वाधिक है, सर्पी घर्षण कम है और लोटनी घर्षण सबसे क्या है कम। तो इस तरीके से ये रिक्त स्थान और ये ऑप्शन वाला जो सवाल है आपको यहाँ पे करना था। अब दोस्तों तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल भी ऑप्शन वाला सवाल है आपके सामने, वैकल्पिक है। तो कहा जा रहा है कि आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, देखना पहली बात यहाँ पे कही जा रही है कि संगमरमर के सूखे फर्श, दूसरी है संगमरमर के गीले फर्श, और तीसरी है फर्श पर बिछे समाचार पत्र, और चौथा आपसे कहा जा रहा है तौलिया। ये चार चीज़ें हैं उसके पास और उस पर वो अपनी खिलौना कार को बारी बारी से चला रही है। एक तो संगमरमर के सूखे फर्श पे वो अपनी खिलौना कार को चला रही है, फिर संगमरमर के गीले फर्श पे वो अपनी खिलौना कार को चला रही है, फिर उसी खिलौना कार को वो एक समाचार पत्र न्यूज़पेपर पे चला रही है, और उसी खिलौना कार को एक तौलिए पे यानी कि कपड़े का एक गमछा है उस पे चला रही है। विभिन्न फर्शों पर पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। अब कौन से पृष्ठ पर कितना घर्षण बल लगेगा, कौन से पृष्ठ पर कितना अधिक लगेगा और कम लगेगा, वो क्रम आपको यहाँ पे चूज करना है, और वो क्रम भी आपको बढ़ता क्रम देखना है कौन से पे कम लगेगा और कौन से पे ज़्यादा लगेगा। तो जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे है वो है संगमरमर का गीला फर्श। क्या गीले फर्श पर जो घर्षण होगा वो सबसे कम होगा, और संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया, ये बात आपसे कही जा रही है। तो दोस्तों संगमरमर के गीले फर्श पे हमें पता है कि इन चारों में से संगमरमर के गीले फर्श पर घर्षण क्या होगा, सबसे कम होगा, वो फिसलनदार होगा, और हम भी अगर कहीं संगमरमर के गीले फर्श पे चल रहे हैं तो हम आसानी से फिसल भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम लगता है। तो पहले ऑप्शन में जो ये बात की जा रही है लगभग हमें सही लग रही है, लेकिन उसके बाद वाला देखते हैं। उसके बाद है संगमरमर का सूखा फर्श, ये भी बिल्कुल सही है, और समाचार पत्र, और लास्ट में आपको दिया गया है तौलिया, यानी कि जो कपड़े का गमछा है उस पर घर्षण सबसे ज़्यादा होगा जब आलिदा अपनी खिलौना कार को तौलिया पे चलाएगी। तो हमें ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही यहाँ पे लग रहा है, दूसरा जैसे कि समाचार पत्र जो कि शुरुआत में ही गलत हो गया है, तीसरा तौलिया, इस पर तो सबसे ज़्यादा लगेगा तो ये भी ऑप्शन गलत है, और चौथा ऑप्शन भी इसलिए गलत है क्योंकि तौलिया पहले और समाचार पत्र बाद में आ रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क जो है वो आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब एक और सवाल जो कि चौथा है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को, आप अपने टेबल को क्या करते हैं, थोड़ा सा झुकाते हैं, और तो उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे सरकना प्रारंभ कर देती है। किसी टेबल पे कोई पुस्तक रखी गई है और टेबल को आप क्या कर रहे हो, हल्का सा झुका रहे हो, तो झुकाने के दौरान वो जो पुस्तक है वो नीचे सरकना प्रारंभ कर दे रही है, वो सरकती हुई नीचे आ रही है, इस पर लगे घर्षण बल की दिशा क्या होगी। अब आपको ये बताने हैं कि घर्षण बल जो इस पर लग रहा है पुस्तक पे उसकी दिशा क्या होगी। तो आप टेबल को झुका रहे हैं, ये पहली बात है, आप टेबल को झुका रहे हैं और पुस्तक क्या कर रही है, सरक रही है, तो बिल्कुल तय बात है कि घर्षण बल तो हमेशा ही गति की विपरीत दिशा में लगता है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई है कि घर्षण बल हमेशा एक तो गति की विपरीत दिशा में लगता है और एक आपके द्वारा लगाया गया जो पेशीय बल है उसकी विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, हम ये कहेंगे कि गति की दिशा की विपरीत दिशा में ये बल लगता है, तो गति की दिशा के विपरीत ये जो घर्षण बल होगा, जो किताब पर यानी कि पुस्तक पर जो घर्षण बल लग रहा है वो इस तरीके से होगा। और अब हम चलते हैं पांचवे प्रश्न की तरफ। तो अब दोस्तों पांचवा जो प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न मैंने लिखा नहीं है, वो पांचवा प्रश्न ये है कि किसी दुर्घटनावश किसी पृष्ठ पे क्या किया गया है, किसी संगमरमर के
फर्श पर कोई साबुन से भरी बाल्टी गिर गई है, ये कहा जा रहा है आपसे कि संगमरमर के फर्श पर पानी से भरी, साबुन के पानी से भरी बाल्टी वहाँ पे उलट जाती है। तो अब आप ये बताइए कि क्या सूखे फर्श पर चलना आपके लिए कठिन होगा या आसान होगा, या फिर गीले फर्श पे आप आसानी से चल सकते हैं या कठिनाई से चल सकते हैं, वो बात आपको बतानी है कि गीले फर्श पे आप आसानी से चलोगे या सूखे फर्श पे आप आसानी से चल पाओगे। तो दोस्तों बिल्कुल इसका आंसर हम इस रूप में दे सकते हैं, तय बात है वो तो कि यदि साबुन से भरी बाल्टी यानी कि पानी गिर गया है संगमरमर के फर्श पर, तो अब वो चिकना हो गया है, अब वहाँ पर चलना हमारे लिए ज़रा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर्षण बल वहाँ का क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इसलिए आंसर उसका ये रहेगा कि गीले फर्श पर चलना हमारे लिए मुश्किल होता है, जबकि सूखे फर्श पर चलना हमारे लिए आसान होता है, और ये होता है घर्षण के बढ़ने या घटने के कारण। तो इस तरीके से पांचवा जो प्रश्न है उसका आंसर आपको देना है। छठवां प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि खिलाड़ी जो होते हैं वो कीलदार जूते, जिसे हम कहते हैं स्पाइकस, ठीक है ना, तो वो क्यों पहनते हैं, खिलाड़ी कीलदार जो जूते होते हैं वो क्यों पहनते हैं। तो आंसर उसका ये रहेगा कि खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि जूतों पर लगी जो कीलें होती है वो अक्सर ज़मीन में धंस जाती है। बर्फ़ पर चलने वाले भी ऐसा ही करते हैं, जो जवान होते हैं हमारी सेना के, वो भी कीलदार जूते पहनते हैं ताकि वो उसमें धंस जाए और घर्षण बल अधिक लगे ताकि वो गिरे नहीं, तो ये स्थिति होती है इसलिए। तो छठवें सवाल का आंसर आप दोगे कि घर्षण बल अधिक लगता है ऐसा करने से, जिसके कारण खिलाड़ी आसानी से गिरते नहीं हैं, वो आसानी से चल पाते हैं, तो ये रहेगा। सातवां जो प्रश्न है आपके पास वो भी मैंने लिखा नहीं है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इकबाल, एक लड़का है इकबाल, और वो किसी खाली बॉक्स को किसी फर्श पर धकेल रहा है, और उसी फर्श पर, उसी सेम फर्श पर एक लड़की है सीमा, और वो किसी भारी भरे हुए बॉक्स को धकेल रही है। तो इकबाल के लिए बॉक्स को धकेलना आसान होगा या सीमा के लिए भरे हुए बॉक्स को धकेलना आसान होगा, उसका जवाब आपको देना है। तो दोस्तों इकबाल के पास जो बॉक्स है वो बॉक्स असल में खाली है, उसमें वजन नहीं है, तो वो धकेलना आसान होगा, और सीमा के पास जो बॉक्स है वो बॉक्स भारी है, इसलिए उसको धकेलना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, सीमा के लिए भी मुश्किल होगा। क्योंकि होता यूँ है, मैंने आपको बताया भी है कि जब भी द्रव्यमान बढ़ता है, जब भी किसी वस्तु पर भार बढ़ा दिया जाता है, तो घर्षण बल भी कई गुना तक बढ़ जाता है। तो इसलिए सीमा का जो बॉक्स है वो भारी है, और वजन होने के कारण घर्षण ज़्यादा लगेगा, और अगर घर्षण ज़्यादा है तो सीमा को उसे धकेलने के लिए बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे। आठवां जो सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्यों सर्पी घर्षण कम होता है स्थैतिक घर्षण अधिक होता है, ऐसा क्यों है। तो आपको इसका जवाब देना है कि जब वस्तु सरकना प्रारंभ करती है, जब दो वस्तुओं की संपर्क सतह आपस में टकराती है और वो सरकना प्रारंभ करती है, तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो फर्श के अंदर धंस सके। देखिए विराम अवस्था में जब कोई वस्तु होती है और विराम अवस्था से हम उसको सरकाना प्रारंभ करते हैं, विराम अवस्था से उसको सरकाना प्रारंभ करते हैं, तो असल में वस्तु की जो सतहें होती है, अनियमित जो सतहें होती है, वो उसके श्रृंग गर्त जो होते हैं वो एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं, और जिस कारण हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है और घर्षण भी ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ये स्थितिक घर्षण के लिए होता है, सर्पी घर्षण में क्या होता है, सर्पी घर्षण की परिभाषा से हमको ध्यान देना है कि जब कोई वस्तु अपनी चाल से जो है गतिशील है और उसको उसी चाल से गतिशील रखना है, तो जो बल लगाना पड़ेगा वो सर्पी घर्षण की माप होगी। तो हमें पता है कि जब भी किसी सरकती हुई वस्तु को, गतिशील वस्तु की बात करें, गतिशील वस्तु पर घर्षण की बात करें, तो वो गति कर रही है चूंकि वो, तो उसके पृष्ठ के बिंदुओं को, संपर्क बिंदुओं को उतना वक्त भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो गति कर रही है, तो उसके श्रृंग और गर्त आपस में जो है एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए बल हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कम लगाना पड़ेगा। तो सर्पी घर्षण इस दौरान क्या होगा, कम होगा, सर्पी घर्षण का मान जो होगा वो स्थितिक घर्षण से कम होगा, क्योंकि उनको संपर्क बिंदुओं को एक दूसरे में एडजस्ट होने का वक्त वहां पर नहीं मिलेगा, इसलिए सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से क्या होगा, कम होगा। तो ये था आपका आठवां सवाल जिसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, और हम तो जानते ही हैं कि सर्पी घर्षण यानी कि स्थितिक घर्षण जो है वो सबसे ज्यादा होता है,
और उससे कम होता है आपका सर्पी घर्षण, और मैंने बताया उससे कम होता है आपका कौन सा घर्षण, लौटनी घर्षण। तो ये तीनों ही इस रूप में होते हैं। अब दोस्तों जो सेकंड लास्ट प्रश्न है यानी नौवे की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, वर्णन कीजिए कि घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे है, घर्षण हमारा शत्रु भी है और घर्षण हमारा मित्र भी है कैसे। तो दोस्तों मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया है कि घर्षण से क्या लाभ है, अनिवार्य है वो, और घर्षण से क्या हानियां हैं। तो हानियां हैं तो इसका मतलब वो क्या है, शत्रु है, और लाभ है इसका मतलब वो क्या है, मित्र। और चूंकि घर्षण के तो हानियां भी है और लाभ भी है इसलिए वे शत्रु और मित्र क्या है, दोनों हैं। तो हानियां क्या क्या हानियां हैं आपको इस प्रश्न में लिखनी है अच्छे से, और लाभ क्या क्या लाभ है वो भी आपको लगभग तीन तीन या चार चार एग्जाम्पल आपको देने हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है तो तीन या चार एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने हैं। बताना है कि घर्षण से जो है हमें हानि होती है, मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं, घर्षण से हमें लाभ होता है क्योंकि घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं, अगर घर्षण नहीं होता तो हमारा लिखना भी असंभव होता, ये बात भी इस प्रश्न के उत्तर में आपको देनी है। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि घर्षण जब होता है तो घर्षण के दौरान वस्तुएं तो घिसती ही है लेकिन वायुयानों के कांच भी घिस जाते हैं और भी कई सारी चीज़ें घिसती है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर ज़्यादा घर्षण हो रहा है तो गाड़ी में इंजन, ये जो ईंधन जलता है इंजन में, वो ईंधन भी ज़्यादा जलेगा यदि ज़्यादा खुरदरा है वहाँ पे, तो ठीक है ना। तो ये तमाम सारी बातें इसमें ऐड करनी है, क्या लाभ है तीन लाभ आपको बताने हैं, क्या हानियाँ हैं तीन हानियाँ भी इसकी, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ और लिखा चुका हूँ, तो वो आंसर इसका देना है, समझ गए आप, और बिल्कुल आप दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। दसवां यानी कि लास्ट जो प्रश्न है वो है, वर्णन कीजिए कि तरलों में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तरल में गति करने वाली वस्तु, और मैंने बताया तरल का मतलब वायु भी है और तरल का मतलब पानी भी है, यानी गैसें भी है और द्रव भी है। तो तरलों में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, इसलिए बनाते हैं कि वायु के साथ या तरलों के साथ उस वस्तु का घर्षण क्या हो जाए, कम। तो आपको पहली लाइन इस प्रश्न में ये लिखनी है कि तरलों में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति, तो इस तरीके से जैसे कि हवाई जहाज का ये आगे का आकार होता है और ये हवाई जहाज इस तरीके से होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आगे से ये आकार हवाई जहाज का बनाया जाता है, और इसलिए बनाया जाता है दोस्तों ताकि हवा को चीरता हुआ ये आसानी से आगे गति कर सके और घर्षण बल कम हो, और घर्षण बल यदि कम रहेगा तो इसमें ईंधन भी कम जलेगा, इसलिए ये विशेष आकार ताकि हवाएं इस तरीके से चली जाए, है ना। हवाएं, अगर ये पृष्ठ मान लीजिए ऐसा होता तो बिल्कुल इतनी सारी यहाँ से लगाकर यहाँ तक के क्षेत्रफल की सारी जो हवाएँ हैं भाई, अगर पृष्ठ इतना ज़्यादा है तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक की सारी हवाएं इस पृष्ठ पे क्या करेगी, धक्का टक्कर लगाएगी, तो हवाई जहाज को बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और चूंकि इसमें तो बल जो है ईंधन के कारण लगाया जा रहा है तो यदि ज़्यादा बल लगाना पड़ा तो ज़्यादा ईंधन भी जलेगा, इसलिए इस सरफेस को ऐसा न रखते हुए क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं ताकि ये जो हवाएँ हैं ये ऐसे गुजर जाएँ और हवाई जहाज को गति करने में क्या हो, आसानी हो। तो ये तरल में जो इस तरीके का आकार हवाई जहाज का बनाया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तरल का यदि मैं दूसरा एग्जांपल ले दोस्तों, तो पानी में चलने वाला जहाज जो होता है, जिसे मैं कहूँगा पानी का जहाज, ठीक है ना, दोनों ही जहाज है इसलिए मैं इसको पानी का जहाज लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। पानी के जहाज में भी विशेष आकार बनता है, और वो विशेष आकार बनता है इस तरीके का, ठीक है ना, और ये इस तरीके का, आगे से इसको भी ऐसा रखा जाता है ताकि ये इसका जो तीखा वाला जो सिरा है ना, ये इधर से इस तरीके का ये तीखा वाला सिरा है, तो दोनों तरफ से पानी को वो चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है ना, और पानी उस पर प्रहार नहीं करे। अगर ऐसा बोट होता आगे, ऐसा बिल्कुल सरफेस ऐसी होती इसकी, तो बहुत ज़्यादा पानी टक्कर करता नहीं, तो ये क्या है, एक पतला सा, यहाँ से पतला होता है ये, ठीक है ना, यहाँ से अगर इसकी मोटाई इस तरीके से देखो तो बिल्कुल पतला है और आगे जाकर ये क्या होता है, मोटा, ताकि पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ सके। तरल इस पर बिल्कुल जो है प्रहार न कर सके, इसको बाध्य न कर सके, इसकी गति का विरोध न कर सके, इसलिए ऐसा किया जाता है और ये जो है इस तरीके का आकार इसका बनाया जाता है। तो वर्णन कीजिए कि तरलों में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं, ये आकृति घर्षण
घर्षण को कम करने के लिए बनाई जाती है ताकि बल हमें कम लगाना पड़े, तो ये चीज होती है इसके लिए। दोस्तों घर्षण का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया है उसको टॉपिकली, और उसके बाद उसका अभ्यास जो है हमने किया है, उसके अभ्यास प्रश्न किए हैं, और आपको साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है, हर वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आज के इस सेशन के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट जो होगा वो हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर शुरू करेंगे नया, तब तक के लिए पढ़ते रहे, धन्यवाद।